नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप हैं बिहारी न्यूज के साथ। और आज हम बात करेंगे कौन बनेगा सांसद में भागलपुर सीट की। भागलपुर से 2019 में कौन बनेगा सांसद। भागलपुर संसदीय क्षेत्र बिहार की एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक भागलपुर में करीब 14,33,346 मतदाता हैं, जिनमें 7,74,558 पुरुष और 6,58,588 महिला मतदाता हैं। पिछले साल 24 अप्रैल को चुनाव हुए थे, जिनमें 18 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला हुआ था। आरजेडी के शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल ने बीजेपी के शहनवाज हुसैन को हराया था। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में सबसे युवा मंत्री रहे हुसैन ने 2009 आम चुनाव में राजद के शकुनी चौधरी को हराया था। इससे पहले 2006 उपचुनाव में भी उन्होंने चौधरी को मात दी थी। हैरानी तो इस बात की है कि भागलपुर संसदीय सीट से आज तक कोई महिला सांसद नहीं चुनी गई। जदयू कोटे से कसा परवीन राज्यसभा में जरूर प्रतिनिधित्व कर रही है। सर्वाधिक महिला सांसद बांका लोकसभा क्षेत्र से हुई है। वहीं अगर हम बात करें इसके इतिहास के बारे में, तो इस संसदीय क्षेत्र की कुल आबादी 30,32,226 है। यहाँ सबसे पहले 1951 में लोकसभा चुनाव हुए थे, तब यह क्षेत्र दरभंगा और भागलपुर एक साथ मिला हुआ था। बाद में परिसीमन में दोनों इलाके अलग हो गए। कुछ पुराने क्षेत्र निकल गए, कुछ नए क्षेत्र जुड़ गए, कुछ क्षेत्र खत्म हो गए। पीरपौती विधानसभा क्षेत्र एससी के लिए सुरक्षित क्षेत्र बन गया, जो कि पहले समान क्षेत्र था। जो नया भागलपुर संसदीय क्षेत्र बना, उसमें बीहपुर, गोपालपुर, पीरपौती, कहलगांव, भागलपुर और नाथनगर शामिल हुए। पुरानी संसदीय क्षेत्र से सुल्तानगंज और धरैया विधानसभा निकल गए। इन दोनों क्षेत्रों को बांका संसदीय क्षेत्र में डाल दिया गया। इसके साथ ही बीहपुर और गोपालपुर नए विधानसभा क्षेत्रों को भागलपुर में शामिल किया गया। ये दोनों विधानसभा क्षेत्र पहले खगड़िया संसदीय क्षेत्र में शामिल थे। 2014 के चुनाव में बीजेपी के शहनवाज हुसैन और आरजेडी के प्रत्याशी शैलेश कुमार मंडल के बीच सीधी टक्कर थी। इसमें मंडल विजयी रहे और उन्हें 3,67,623 वोट मिले। उप विजेता रहे शहनवाज हुसैन को 3,58,138 वोट मिले। शहनवाज हुसैन मात्र कुछ हजार वोटों से हारे थे। वोट प्रतिशत की बात करें तो मंडल को 37.74% वोट मिले, जबकि हुसैन को 36.76% वोट हासिल हुए। तीसरे पायदान पर जदयू के अब्बू कैसर रहे थे, जिन्हें 1,32,256 वोट मिले। उनका वोट प्रतिशत 13.58% था। इस चुनाव में चौथे और पांचवें स्थान पर निर्दलीय उम्मीदवार थे। छठा स्थान नोटा को मिला था, जिसके तहत 11,857 वोट दर्ज हुए। मंडल और हुसैन की टक्कर में बीजेपी के वोट आरजेडी के तरफ स्विंग हुए। फिलहाल अभी की बात करें तो समीक्षा के बाद चुनावी मैदान में 9 प्रत्याशी हैं। शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल राजद, जो कि महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, वहीं अजय कुमार मंडल जदयू, जो कि एनडीए के तरफ से प्रत्याशी हैं। अब देखना ये है कि 2019 के चुनाव में कौन बनेगा यहाँ से सांसद और किसके हाथ जीत लगेगी। अगर आपको अब हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे आगे शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। और अगर ये फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।